अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने चटगांव में बांग्लादेश को एकमात्र टेस्ट मैच में 224 रनों से मात देकर इस फॉर्मेट में अपनी दूसरी जीत दर्ज की है। ऑस्ट्रेलिया के बाद अफगानिस्तान एकमात्र ऐसी क्रिकेट टीम है जिसने अपने पहले तीन टेस्ट मैचों में से दो टेस्ट जीते हैं। चटगांव में खेले गए इस टेस्ट मैच में बांग्लादेश के सामने अफगानिस्तान की टीम ने 398 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था। 173 रनों पर बांग्लादेश की टीम को अफगानिस्तान के बॉलरों ने ढेर कर दिया। अफगानिस्तान ने अपनी पहली पारी में 342 रन बनाए थे और कप्तान राशिद खान के 5 विकेट के दम पर बांग्लादेश को मैच के तीसरे दिन ही उसकी पहली पारी में 205 रनों पर ढेर कर 137 रनों की बढ़त हासिल की थी। मेहमान टीम के ने इस तरह मेजबान बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 398 रनों का लक्ष्य रखा, लेकिन बांग्लादेश की टीम इस लक्ष्य के सामने 61.4 ओवर में 173 रन पर ढेर हो गई और उसे 224 रनों से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश ने अपने रविवार के स्कोर दूसरी पारी में 6 विकेट पर 136 रन से आगे खेलना शुरू किया और मैच के आखिरी दिन में 37 रन और जोड़कर 173 रन पर ऑल आउट हो गई। अफगानिस्तान ने अपना पहला टेस्ट मैच सन 2018 में भारत के विरुद्ध खेला था जिसमें उसे 262 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। 2019 में अपना दूसरा टेस्ट मैच आयरलैंड के विरुद्ध खेलते हुए अफगानिस्तान की टीम ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी। इसी के साथ आज बांग्लादेश को तीसरे टेस्ट मैच में हराकर 224 रनों से जीत हासिल कर अफगानिस्तान अब ऑस्ट्रेलिया के कारनामा करने वाली दूसरी टीम हो गई है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया ही इकलौती ऐसी टीम थी जिसने अपने शुरुआती तीन टेस्ट मैचों में से दो में जीत दर्ज की थी। अब अफगानिस्तान भी उसी लिस्ट में शामिल हो गई है जिसने अपने पहले ही तीन टेस्ट मैचों में से दो में जीत दर्ज की है। वही कप्तान राशिद खान ने भी एक अनोखा कारनामा किया और वह यह कारनामा करने वाले विश्व के तीसरे कप्तान बन गए। दरअसल राशिद खान ने 50 रन बनाए और साथ ही सामने वाली टीम के 11 विकेट भी चटकाए। इस तरह वह कारनामा करने वाले दुनिया के तीसरे कप्तान बन गए हैं। मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से सम्मानित किए गए कप्तान राशिद खान ने अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड मोहम्मद नबी, जो कि अफगानिस्तान के सीनियर खिलाड़ी हैं, उन्हें समर्पित किया। अफगानिस्तान के सीनियर खिलाड़ी मोहम्मद नबी ने इस टेस्ट के बाद अपने टेस्ट कैरियर से संन्यास की घोषणा की। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो, हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।